वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन पे पार्टनरशिप विद द अन एकेडमी। आज का वीडियो बहुत खास है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 16 दिसंबर को फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दिया है, यानी कि वन रक्षी की बहाली। पिछले साल 2019 में यही सारी वैकेंसी 902 पदों पे फाइट की गई, लेकिन इस बार वैकेंसी को कंप्लीटली आधा कर दिया गया। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो भी परीक्षाएं होती हैं, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं का आधार चार तरीके से होता है। क्या होता है? पहला तो क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो इस बार क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू हाई लेवल था, यानी कि आसान तो बिल्कुल नहीं था, उसमें भी मॉडरेट टू हाई लेवल था। क्यों था लेवल हाई, मैं बताऊंगा। क्वेश्चन का पैटर्न भी बताऊंगा कि किस तरह के कितने क्वेश्चन पूछे गए और कितने छात्रों ने कितना अटेम्प्ट किया है कि उनका कट ऑफ कितना जा सकता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, चीजों को समझने की बहुत जरूरत है, इसलिए निराश बिल्कुल नहीं होना है जिन छात्रों का कट ऑफ अगर इस कट ऑफ से बिलो रहता है तो। दोस्तों, दूसरी चीजें यहां पर डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैकेंसी। नंबर ऑफ वैकेंसी यानी कि पिछली बार अगर हम देखें तो 902 पदों की वैकेंसी थी, जहां पर 879 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। कुछ सीट रह गई थी तो उन सीटों को बैकलॉग में भी ऐड किया गया है। खैर, इसकी चर्चा तो हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन तीसरा डिपेंड करता है दोस्तों कि टोटल कैंडिडेट अपीयर कितने हुए थे इस एग्जाम में, वो भी मैं बताऊंगा आपको। और चौथा चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा खेल रहा है इस एग्जाम में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/4 नहीं है, 1/3 है इस बार। देखिए, अब यहाँ पे जो भी छात्र एग्जाम दिए हैं, मैंने उनको क्या बोला कि क्वेश्चन का लेवल, तो क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल हाई लेवल रखिएगा। जी हाँ, इसी लेवल पे आपका सिलेक्शन जो होगा आपका होना है, कट ऑफ निर्धारित होगा इसी पैटर्न पे, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न था वो हल्का नहीं था। क्यों हल्का नहीं था? अगर हम क्वेश्चन उठाएं दोस्तों हिंदी से, ठीक है, हिंदी की बात करते हैं, तो वहां पे 20 क्वेश्चन लगभग थे। 20 क्वेश्चन में जो छात्र 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं एक्यूरेसी के साथ, जी हाँ, मैं एक्यूरेसी की बात करता हूं, जी हाँ, अगर आप 14 से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। अगर आप 10 के बिलो हैं, अगर आप 10 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो अटेम्प्ट है, हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो हिंदी में अगर आपने 14 क्वेश्चन अगर किए हैं तो भाई आपका सिलेक्शन हो रहा है यहां पे इस पेपर को लेकर। लेकिन वहीं अगर आप 10 क्वेश्चन ही करके आए हैं और उसमें भी बहुत डाउट, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि डाउट है भैया, तो भाई कट है वहां पे। फिर हम दूसरी, अगर एग्जाम पैटर्न पे ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो पेपर था हमारा जीके का, जीके में दोस्तों लगभग 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, यहां पे 20 क्वेश्चन थे, यहां पे 30 क्वेश्चन थे आसपास, ठीक है। इनमें से अगर जिनका अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन का एक्यूरेसी रहा है, उनका रिजल्ट हो रहा है यहां पे इस सेक्शन में, जी हाँ, क्योंकि हम सेक्शन वाइज ही बता रहे हैं आपको, चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा 20 क्वेश्चन में, अब ये टफ क्यों था, देखिए पेपर का लेवल हाई क्यों था, यहां से मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे अगर आप करेंट अफेयर की बात कर ले दोस्तों, जो करेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे वो 2015 से पूछे गए थे, याद होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 का योजना है, वहां से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरे पाली के भी क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो 2017-18 के करंट अफेयर जुड़े हुए थे, जैसा कि मैंने आपको रिव्यू दिया भी है वीडियो चैनल पे अपने, जाके आप देखिएगा इन सभी क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन हमें मिल पाया है उन सभी क्वेश्चन का। इसके अलावा जीएस की बात कर ले, यानी कि जनरल साइंस की बात कर ले, तो यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो भी छात्र 18 के आसपास अटेम्प्ट किए हैं, अब ये जो क्वेश्चन अटेम्प्ट बोल रहा ना, ये एक्यूरेसी यानी कि एक्यूरेट सही होना चाहिए उनका, गलत की बात नहीं, गलत की बात मैं अभी लास्ट में करूंगा कि तो कैसे निगेटिव मार्किंग आपको मिलेगा उस पर भी चर्चा करूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 18 क्वेश्चन अगर साइंस में आप यहां पे किए हैं, अगर 18 से थोड़ा सा बिलो अगर रखें, तो अगर हम 15 रख देते हैं यहां पे, तो भी सिलेक्शन आपका हो रहा है दोस्तों। 15 एक बेस मानिएगा जीएस के क्वेश्चन में, क्योंकि जीएस का भी क्वेश्चन हल्का नहीं था, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे, कुछ क्वेश्चन तो एनटीपीसी के लेवल का था ही, जो कि आरआरबी ग्रुप डी वगैरह में पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो इक्वेशन वगैरह दे रखा था मैंने आपको कराया है वो क्वेश्चन, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन देखिएगा, वो आपके एकदम दरोगा लेवल का क्वेश्चन था, मतलब कि जो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम होते हैं उस लेवल पे पैटर्न था, इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने कम भी रखा है।
कि 15 क्वेश्चन आपका एक एक्यूरेसी यहां पे रहेगा अगर जीएस में तो सिलेक्शन होगा। इसमें 20 क्वेश्चन लेकिन ठीक है 30 सवाल जीके का था ध्यान होगा, उनमें से 20 क्वेश्चन कम से कम, वैसे तो 20 नहीं मैं तो कहूंगा कि 22 24 वाले का सिलेक्शन कंफर्म है। अच्छा इसके अलावा यहां पे मैथ का पेपर जो था और मैथ में जो भी क्वेश्चन कुछ रीजनिंग के भी एक दो क्वेश्चन थे उसमें अगर जो छात्र ठीक है 25 क्वेश्चन करके आए हैं तो भाई इनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा क्योंकि मैथ का जो पेपर था वो थोड़ा पेपर मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं ठीक है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं इस पेपर को। तो हमने क्या बोला इन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट अगर आपने इस पैटर्न में किया है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा है, यानी कि अगर आपका 70+ नंबर आ रहा है जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं ठीक है, तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू करते हैं। फिजिकल में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, वहां तो पैदल चलना है वन रक्षी के इस बहाली में, लेकिन 70+ वालों को मैं कह रहा हूं जो जनरल में है ठीक। अभी मैं आपको बताऊंगा सारे कैटेगरी वाइज बताऊंगा कितने कट ऑफ जा सकते हैं, किस कैटेगरी में कितना जा सकता है, कुछ हम पुराने वैकेंसीज के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अगर ये तो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों 484 पदों के लिए, लेकिन अगर 2019 की अगर हम बात कर ले दोस्तों 2019 का अगर कैटेगरी वाइज बात कर ले तो मेल फीमेल अगर हम बात कर लेते हैं तो जनरल कैटेगरी के जो मेल छात्र थे वहां पे उन्होंने अटेम्प्ट किया था दोस्तों, यानी कि जो नंबर सिलेक्शन ऑफ नंबर था उनका 289.33 था कुछ ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए थे वो 72.33 क्वेश्चन, यानी कि ये अटेम्प्ट था इनका सही एक्यूरेसी के साथ, तो इनका ये नंबर आया था तो ये सिलेक्शन हुआ था। आप चेक कर सकते हैं इस चीज को जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसका जो पुराना कट ऑफ का भी पूरा चार्ट दिया गया था उसमें आप वहीं से मैं आपको बता रहा हूं। वहीं पे अगर फीमेल कैटेगरी की बात कर ले तो 188 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, 188 नंबर यानी कि लगभग 47 क्वेश्चन यही हुआ होगा ठीक है। अब बीसी कैटेगरी की अगर हम बात कर ले दोस्तों बीसी कैटेगरी मेल में तो 284 यानी कि 71 क्वेश्चन, एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं मैं, यहां भी एक्यूरेसी की बात की है मैंने ठीक है, तो नंबर कितना आ रहा है आपको कैलकुलेट करना है, 284 71 क्वेश्चन पे इनका आया है लगभग ठीक है। अब जो फीमेल कैटेगरी था उसमें कितना था जो बीसी में थे तो 172 नंबर पे सिलेक्शन था, ये 2019 का बता रहा हूं जो कि 902 पदों की वैकेंसी थी। ध्यान रखिएगा यहां वैकेंसी भी ज्यादा है, यहां वैकेंसी जस्ट आधा है ठीक है, 172 था तो यहां पे इन्होंने 43 क्वेश्चन का अटेम्प्ट लिया था लगभग ठीक है। अच्छा इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात कर ले ईबीसी की, क्योंकि ईबीसी भी एक कैटेगरी रखी गई थी उस समय, ये 276 इनका क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट था कितना तो 69, ये आप ध्यान रखिए हर क्वेश्चन का मैं बता रहा हूं कि अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन था, इनके मार्क्स इतने आए हुए थे तो इनका सिलेक्शन हुआ है। वहीं अगर ईबीसी महिलाओं की बात कर ले तो 160 नंबर पे सिलेक्शन था, यानी कि लगभग 40 क्वेश्चन। वहीं अगर एससी एसटी की बात करें, देखिए एससी और एसटी इन दोनों में एसटी कैटेगरी जो होता है ना इसमें नंबर ऑफ सीट बहुत कम होते हैं ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ जाता है वो थोड़ा सा हाई रहता है इन कंपैरिजन एससी कैटेगरी। तो ये 277 लगभग था इनका 63 और नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कितना था इनका 69.3, मतलब कि ऐसा कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट रहा होगा इतने, तब ये इतने नंबर पे इनका सिलेक्शन हुआ है ठीक है। एससी कैटेगरी तो इनमें 266 था ठीक है, और ये अटेम्प्ट था 266.6 था, ये लगभग 66 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट था इनका 66.66 ठीक है। तो और अगर फीमेल में इनकी बात कर ले एससी कैटेगरी की तो ये 142 नंबर लाई थी, और ये कितना नंबर लाई होंगी क्योंकि इनका जो कट ऑफ था 177 नंबर पे गया था 177.33 पे, तो इनका नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट जो भी एससी कैटेगरी में महिलाएं हैं उनका 35.6 क्वेश्चन लगभग हुआ होगा। ये 0.6 इसलिए है कि मैं बताऊंगा निगेटिव मार्किंग कैसे होते हैं, इसलिए इस नंबर पे नंबर ऑफ सिलेक्शन पे, और इनका जो है दोस्तों 44.33 ले लें यहाँ पे, तो इस पे इनका सिलेक्शन हुआ था। ये मेल और फीमेल का पिछले साल का कैटेगरी कट ऑफ था जिसपे कि इनका सिलेक्शन हुआ था। अब अगर हम बात कर ले 2020 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, देखिए
मैं आपको ये क्यों बताया, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कितना अटेम्प्ट किया गया पिछली बार। अब एक्सपेक्टेड में बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मैं इसको रफ कर देता हूं। यहां पे 70 प्लस आ रहा है को, तो यहां पे आपको एक काम करना है, क्या, तो अपना फिजिकल का तैयारी करना है, जो भी जनरल कैटेगरी का मेल छात्र है। अब यहां पे दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ की पहले बात कर लेता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि निगेटिव मार्किंग आपको कैसे मिलता है, ठीक है। अगर हम मेल और फीमेल दोनों की बात कर ले और जनरल कैटेगरी में चले, तो दोस्तों यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन में रखूंगा 290, क्योंकि देखिए 289 तो यहां पिछली बार सिलेक्शन हुआ था, इस बार भी लगभग यही जाएगा। अब देखिए यहां पे वैकेंसी कम है तो कट ऑफ हाई जा सकता है, लेकिन हाई क्यों नहीं रख रहा हूं, सेम क्यों रख रहा हूं, लगभग क्यों रख रहा हूं, सब मतलब बराबर क्यों रख रहा हूं मैं, 289 पे सिलेक्शन हुआ था, 290 क्यों तो बता रहा हूं यहां पे, क्योंकि पेपर का लेवल हाई था, जी हाँ, मॉडरेट टू हाई लेवल था। पिछली बार की कंपैरिजन अगर आप पेपर देखेंगे 2019 वाला, तो आसान पेपर था, इसलिए कट ऑफ इतना हाई गया था, लेकिन पेपर यहां पे क्या कर दिया है, हाई लेवल कर दिया है 2020 का, और नंबर ऑफ वैकेंसी कम कर दिया, तो इसलिए ये कट ऑफ इतना मैं रखूंगा। और 72 से लेकर 75 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया है और ये सही, देखिए मैं अभी इसलिए सही बोल रहा हूं यहां पे, कारण बताऊंगा कि आपका निगेटिव मार्किंग कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट होता है वहां पे देखिएगा। फीमेल की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो लगभग 196 नंबर आना चाहिए और कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए, तो लगभग 49-50 क्वेश्चन। देखिए इतना अगर आएगा नंबर आपका, है ना, 50 अगर कर दिए तो भाई 200 टच कर जाएगा, लेकिन 196 रखा है मिनिमम कट ऑफ, इस पे आपको बाउंड्री लाइन रखना पड़ेगा अपना, ठीक है। अगर जनरल कैटेगरी में ही हम बात कर ले दोस्तों एक ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि इस बार तो ईडब्ल्यूएस भी है यहां पे, तो मेल कैटेगरी में 276, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इसके आसपास रहेगा, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, पॉइंट्स में हो सकते हैं नंबर एक दो, पर इससे ज्यादा नहीं। नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट 69 रखिएगा, अगर आपका इतना सही कर रहे हैं आप लोग तो। निगेटिव मार्किंग बताऊंगा कैसे आपको जोड़ना है, ठीक है, वीडियो को लास्ट में देखिएगा। वही महिलाओं की बात कर ले तो 168, लेकिन कितने क्वेश्चन पे, 42 नंबर लाएंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगी तो इनका इतना नंबर आ सकता है। बीसी कैटेगरी तो यहां पे 284 रखिएगा इस कैटेगरी में। अब देखिए बीसी कैटेगरी की महिलाओं को 3% आरक्षण और रहता है ना, ये बिहार सरकार का रूल है, तो यहां पे 284 अगर नंबर अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी कि लगभग कितना क्वेश्चन, 71, अगर यहां पे आप 71 क्वेश्चन के आसपास रहती हैं जो मेल कैटेगरी है, तो इनका सिलेक्शन होगा दोस्तों। अच्छा, बीसी कैटेगरी में अगर हम बात कर ले दोस्तों महिलाओं की, तो 180 एक मैं बेस इसलिए रख रहा हूं यहां पे कि इससे ज्यादा नहीं, पिछले बार भी देखिए अगर देखा जाए तो बीसी कैटेगरी की जो फीमेल थी 170 पे सिलेक्शन था, इस बार 180 इसलिए रखा कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा, जी हाँ, टफ था और इनको यहाँ पे आरक्षण भी मिलेगा, तो 180 के आसपास रखिएगा इसको लगभग, या फिर आप 45 क्वेश्चन, या फिर लगभग 175 भी रख सकते हैं, वहां पे सिलेक्शन इनका कंफर्म हो जाएगा। 4-5 नंबर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा मुझे, लेकिन यहाँ पे 175 से 80 के बीच में ही रखिएगा, यही एक आपका कट ऑफ होगा यहाँ पे महिलाएं का। ईबीसी की बात कर ले हम, ठीक है, तो ईबीसी और एससी एसटी, देखिए ईबीसी तो भाई ज्यादा कम होगा नहीं, 280 क्वेश्चन, मतलब 280 आपका नंबर यहाँ पे आना चाहिए और 70 लगभग क्वेश्चन, ये है ना कट ऑफ आपका जाएगा 70 क्वेश्चन का, ठीक है, अगर आपने एक्यूरेसी इतना रखा है तो, ठीक है। वहीं अगर महिलाओं की बात कर ले तो इसमें ज्यादा भी नीचे नहीं जाना है, 168 के आसपास रहेगा यहाँ पे, 42 क्वेश्चन लगभग, है ना। अब यहीं पे आपको थोड़ा सा दिक्कत है, ये जो कैटेगरी है, ये जो है ना, ये इनको 3% का आरक्षण और एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इतना हाई भी नहीं जाएगा मेरे ख्याल से, इसको 175 रखिए, है ना, 175 रखिएगा इसको, ठीक है, 175 रखिएगा आसपास, 43 क्वेश्चन लगभग, है ना, 43 या 44 रख सकते हैं, 43 रखिए, 42 रखिए, लेकिन लगभग यही क्वेश्चन रहेगा अटेम्प्ट यहाँ पे इनका। ओके, ईबीसी हो गया, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी मैंने आपको बोला
एसटी कैटेगरी में सीट कम है, और अच्छा नहीं ये देखिएगा 180 ही रहने दीजिए, क्योंकि कारण क्या है, कारण मैं बता दूं आपको, ठीक है, ये 45 कारण क्या है ये मैं बता दूं, ये कारण इसलिए 180 रखने का है क्योंकि बैकलॉग्स में 125 सीटें यहां पे रिजर्व है अभी, यानी कि पुरानी वैकेंसी भरी नहीं गई थी। जी हाँ, तो लगभग 250 सीट यहां पे बीसी कैटेगरी में बढ़ रहा है, इसलिए ये मैंने 180 लिखा था, यहां पे भूल गया था मैं। ठीक है, एससी कैटेगरी में आते हैं तो 268 जितने छात्रों ने, और एसटी कैटेगरी मेल में अगर देखें तो 280, चूंकि मैंने आपको क्या बोला कि नंबर ऑफ सीट कम होते हैं यहां पे, ठीक है। वही अगर बात कर ले महिलाओं की तो 152 और 100, यहां पे अगर हम फीमेल में ये बात कर ले तो 180, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, ये 67 लगभग क्वेश्चन, ये 70 लगभग क्वेश्चन, है ना। और यहां पे अगर फीमेल कैटेगरी की हम बात कर ले दोस्तों तो 38 लगभग, और 180 जो भी छात्र हैं यहां पे उनको बता दें कि ये 45 क्वेश्चन लगभग, है ना, ये आपका कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, ठीक है, 2020 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना 2020 के लिए। अब देखिएगा, अब ये चीज दोनों कंपेयर कर लीजिएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है पिछले साल और इस साल के कट ऑफ में, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, नंबर ऑफ वैकेंसी कम है। पेपर का पैटर्न जो था वो मॉडरेट लेवल का था, यानी कि इजी लेवल का था, इजी टू मॉडरेट था, लेकिन यहां पे मॉडरेट टू हाई लेवल पेपर गया है, इसलिए आपको यहां पे कट ऑफ लगभग यही रहने का संभावना है। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वाइट एजुकेशन के माध्यम से जो मैंने आपको दिया। अब समझ लीजिए, थोड़ा साइडेबल है दोस्तों, बहुत सारे छात्र भी पूछ रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग आखिर हम लोग कैसे जोड़ेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें 1/3 है, 1/3 है नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर मान लीजिए कि आपने टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन, टोटल जो अटेम्प्ट किया है, अटेम्प्ट किया है आपने कितना क्वेश्चन किया है, सपोज मान लीजिए 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, जिसमें से कि आपने राइट जो क्वेश्चन किए हैं, है ना, 85 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया है, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है आपने, मैंने क्या बोला 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अब जिसमें से कि आपका 70 क्वेश्चन सही हो रहा है, 70 क्वेश्चन सही हो रहा है, यानी कि आपने गलती कितना कर दिया, 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 70 क्वेश्चन ही आपका सही है, तो यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन कितना हो गया भाई, तो घटा दीजिए यहां पे 15, ठीक है, रॉन्ग 15 आपने क्वेश्चन कर दिया है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब 1/3 लगा लीजिए यहां पे, 1/3 लगेगा तो यानी कि 5 नंबर तो आपके गयो, है ना, 5 नंबर गए हैं आपके, तो आपका जो राइट जो 70 नंबर आ रहा था, 70 जो क्वेश्चन सही था उसमें से इसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे जब 5 नंबर को तो आपका आएगा 65, तो आप बताइए कि आपका क्या सिलेक्शन 65 नंबर पे होगा। मैंने जनरल का कट ऑफ बताया कि 72 से 75 के बीच में नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर सही होगा तो मान के चलिएगा, तो यहां पे आउट ऑफ रेस हो जाएंगे जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। ओबीसी वाले आ सकते हैं, ठीक है, ईबीसी वाले आ सकते हैं लगभग, ठीक है, ओबीसी ईबीसी का लगभग चांस है, 69-65 के आसपास है, ईडब्ल्यूएस वाले भी आ सकते हैं, एससी एसटी कैटेगरी वाले भी आ सकते हैं लोग इसमें, ठीक है, 65 से 70 के बीच में, लेकिन क्या जनरल वाला छात्र आएगा यहां पे, बिल्कुल नहीं, आउट ऑफ रेस हो जाइएगा। तो अटेम्प्ट आपने कितना किया है ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जी हाँ, अगर आपने 90 अटेम्प्ट किया है, कितना क्वेश्चन सही किया है और गलत कैसे किया है कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है, आप निकाल सकते हैं कि कितना गलत पे कितना आपका नंबर आएगा। मान लीजिए 15 क्वेश्चन आपने गलत किए तो आपने क्या किया, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 5 नंबर आपके वहां से गए, समझ गए, मतलब 3 क्वेश्चन गलत हुआ यानी कि 1 नंबर सही का गया आपका, ठीक। तो ये पैटर्न था दोस्तों नेगेटिव मार्किंग का, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपका, और पुराना कट ऑफ भी मैंने बताया और एग्जाम का पैटर्न बताया कि हिंदी जीके जीएस मैथ और आपके जो पेपर थे इनमें कितने कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं जो कि आपका जी सिलेक्शन में ये योगदान देगा। पेपर को हाई लेवल में रखा है मैंने, मतलब कि मॉडरेट टू हाई लेवल रखा है, इजी नहीं था पेपर इस बार का, इसलिए कट ऑफ भी लगभग सेम रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है।
ठीक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के बाद अभी अनअकैडमी के बारे में कुछ आपको अपडेट दूंगा, उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद। उन सब के साथ साथ कुछ यहाँ पे प्लान है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में अनअकैडमी आपको दे रहा है, तो आप जल्दी से जाएं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लें। यहाँ पे लगभग 300 से भी ज़्यादा फ्री क्लासेस, लाइव क्लासेस आपको कराई जा रही है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी दिए जाएंगे। बीपीएससी के टॉप एजुकेटर जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर है, वो आपको एजुकेट करेंगे। तो जल्द से जल्द यहाँ पे ज्वाइन करने का प्रयास करें। दोस्तों ये फ़ायदे हैं आपको यहाँ पे कि लगभग 20,000 से भी ज़्यादा MCQs कराए जाएंगे आपके टेल एग्जामिनेशन तक। जी हाँ, इनफैक्ट मेंस की तैयारी अगर आप करते हैं तो हमारे साथ जुड़कर यहाँ पे रिटेन यानी कि जो राइटिंग आपका एग्ज़ाम होता है, रिटेन एग्ज़ाम होता है मेंस का, उसकी तैयारी भी होगी। इनफैक्ट इंटरव्यू की तैयारी भी आपको यहाँ पे कराई जाएगी। T20 सीरीज यानी कि रोज़ शाम को 8 बजे इसके रिगार्डिंग आपको सीरीज, टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, और कुछ टॉप एजुकेटर हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं, 5 साल से लेकर 18 साल तक के एक्सपीरियंस यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी टीचर्स के, जो कि आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। और कुछ फ्री लाइव क्लासेस भी आपको दी जाएंगी जो कि कुछ फैकल्टीज़ के द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और आप इनको देखें, क्लासेस अटेंड करें और अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लें जिसका आपको फ़ायदा मिल सके। जी हाँ, फ्री मॉक टेस्ट रोज़ शाम को 8 बजे, उसके बाद उसका एनालिसिस, जी हाँ उस पेपर का एनालिसिस, उस कार्य क्वेश्चन का एनालिसिस हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में। इनफैक्ट अगर आप 1 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बिहार में होने वाली जितनी भी परीक्षाएँ हैं उन सभी परीक्षाओं में आपका ये सपोर्ट करेंगे। जी हाँ, ये पेपर एनालिसिस चाहे वो बिहार SI का हो, बिहार कांस्टेबल का हो, या BPSC का हो, मेंस का या प्रीलिम्स का, हर सेक्टर में आपका ये सपोर्टिव होगा। तो कुछ बैचेज शुरू होने वाले हैं दोस्तों जो कि 17 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में होंगे, जिसमें कि 4 दिन का ये माइक्रो कोर्स का BPSC लॉन्च करने जा रहा है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके अलावा दोस्तों आप सर्च कर सकते हैं BPSC के एप्लीकेशन पे जाके, BPSC कॉलम में सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको यहाँ ज्वाइन करने का एक मौका मिलेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप एक रेफरल कोड यूज कर सकते हैं जहाँ पे इंस्टेंट आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि रेफरल कोड है JEET_EDU09। ये सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं, आप जाएँ जल्दी से, हमें वहाँ पर ज्वाइन ज़रूर कर लेंगे।